Hello students, today we are going to discuss ideal and non-ideal solution from unit 2nd class 12th. तो आइए start करते हैं ideal and non-ideal solution. तो ideal solution क्या होता है, what is ideal solution, ये हमारा starting है. ideal solution क्या है, a solution is said to be ideal if solution को हम ideal कहेंगे if number one it obeys Raoult's law over entire range of concentrations. यानी एक सॉल्यूशन को आइडियल कहा जाएगा इफ इट ओबेज रॉवेल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी एट ऑल द कंसंट्रेशंस, हर कंसंट्रेशन के ऊपर यदि कोई सॉल्यूशन रॉवेल्स लॉ को ओबे करता है तो उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. एंड द सेकंड वन डेल्टा एच मिक्सिंग, इनथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो. एंड थर्ड वन इज डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो. एंड फोर्थ वन, मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है ए जिसमें ए के बीच में इंट्रैक्शन है. सपोज इट इज ए सॉल्यूशन ए एंड इट इज द सॉल्यूशन बी. इन दिस ए के बीच में इंट्रैक्शन इज देयर, बी के बीच में इंट्रैक्शन है. मान लीजिए हमने दोनों को मिक्स कर दिया. अब दोनों को हमने मिक्स किया तो द रिजल्टिंग सॉल्यूशन में जो इंट्रैक्शन क्रिएट होगा दैट विल बी द इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी. तो आइडियल सॉल्यूशन में ए एंड बी इंट्रैक्शन इज इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन. यानी ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है वही इंट्रैक्शन ए और बी के बीच में बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे. यहाँ ए और बी इंट्रैक्शन का मतलब क्या है, आपको ये पता है कि कोई भी बॉन्ड अगर हम तोड़ते हैं, इफ़ ए बॉन्ड इज ब्रोकन, मान लीजिए इस बॉन्ड को तोड़ा गया तो हीट विल बी सप्लाइड टू द सॉल्यूशन. यहाँ भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट दी गई. मान लीजिएगा मैंने 100 किलो जूल हीट अप्लाई की, या यूं कहें कि ए और बी बॉन्ड को तोड़ने के लिए 100 किलो जूल एनर्जी हीट अब्जॉर्ब हुई और जब कोई नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी इज रिलीज्ड. तो ए और बी के बीच में जब बॉन्ड बना तो 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई. यहाँ 100 अब्जॉर्ब हुई, यहाँ 100 रिलीज हुई. इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल. यानी यहाँ पे इंट्रैक्शन बी के बीच में इंट्रैक्शन है, वही ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन है, स्ट्रेंथ उतनी ही है, तो हम ये कहेंगे कि वो सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा. और तभी क्योंकि जब स्ट्रेंथ बराबर है तो नाइदर हीट इज इवॉल्व, 100 किलो जूल अब्जॉर्ब की, 100 वापिस से निकल गई तो हीट इवॉल्व अब्जॉर्ब नहीं है. दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, जीरो. और चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, जीरो होगा. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन. एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन आर फर्स्ट क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का जो मिक्सचर होगा दैट इज आइडियल सॉल्यूशन. सेकंड क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन. थर्ड बेंजीन एंड टोलविन. डायग्राम फोर आइडियल सॉल्यूशन के लिए डायग्राम. आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा. यहाँ सपोज पी नोड ए है और हेयर इज पी नोड बी. तो यहाँ पे इस प्रकार से ग्राफ आएगा आपका, पी बराबर पी ए प्लस पी बी. और यहाँ पे क्योंकि आपको ये पता है हेयर इज प्योर सॉल्वेंट
तो आपको पता है कि प्योर सॉल्वेंट है, इसका मतलब एक्स ए वन है और सॉल्यूट क्या है, जीरो। और यहाँ पे क्योंकि प्योर सॉल्यूट गिवन है, प्योर बी है, तो एक्स बी वन होगा और एक्स ए क्या होगा आपका, जीरो। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी नॉन आइडियल इफ फर्स्ट इट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, इफ इट डजंट ओबे राउल्ट्स लॉ, यदि राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है तो क्या होगा, हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। यहाँ राउल्ट्स लॉ ओबे होने का मतलब ये है कि जो पी ए था आपका पार्शियल वेपर प्रेशर, दैट विल बी नॉट इक्वल टू पी नोड ए एक्स ए, एंड पी बी जो है दैट विल बी नॉट इक्वल टू पी नोड बी एक्स बी। तो यहाँ से ये हो गया हमारा राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं का नहीं होना अगर ऐसे है तो, और इक्वल है तो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है। द सेकेंड वन इज डेल्टा एच मिक्सिंग जो है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड थर्ड वन इज डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड द फोर्थ वन इज द इंट्रैक्शन बिटवीन ए ए एंड बी बी विल बी द डिफरेंट एज दैट ऑफ द ए बी इंट्रैक्शन। यानी ए ए और बी बी की जो इंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है और ए बी की है वो नॉट इक्वल। तो नेक्स्ट क्या हो गया, ए ए एंड बी बी इंट्रैक्शन इज नॉट इक्वल एज दैट ऑफ ए बी इंट्रैक्शन, यानी ए बी इंट्रैक्शन के बराबर नहीं है। तो दीज आर द फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स की जहाँ तक बात है, अगर हम एग्जाम्पल्स लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है इथेनॉल प्लस, इथेनॉल प्लस आप ले सकते हैं इसमें वाटर, जैसे एसीटोन क्लोरोफॉर्म ले लिया आपने क्लोरोफॉर्म, तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। एक्चुअली नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है उसको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करके रखते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे तो ये एग्जाम्पल भी डिफरेंट कैटेगरीज में चले जाएंगे। तो दोनों जो टाइप्स हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की वो क्या हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की टाइप। द फर्स्ट टाइप इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव deviation, showing positive deviation, and this is non-ideal solution showing negative deviation। तो ये हमारे पास दो types हो गई, non-ideal solution showing positive deviation और non-ideal solution showing negative deviation। तो अगर मैं इन दोनों को की करेक्टरिस्टिक्स को पैरेलल में अगर डिस्कस करूं, तो द फर्स्ट एग्जांपल इज डेल्टा एच मिक्सिंग जो है आपका वो दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, और इसमें जो है डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू है वो लेस देन जीरो होगी, दैट इज नेगेटिव में आएगी। डेल्टा वी मिक्सिंग जो है That will be greater than zero, और इस कैटेगरी की अगर नेगेटिव डेविएशन की हम बात करें तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है, लेस देन जीरो। इसी प्रकार से अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो ए ए एंड बी बी इंट्रैक्शन इज greater than ए बी इंट्रैक्शन। और इसमें
क्या हो जाएगा, ए ए एंड बी बी इंट्रैक्शन इज, यहाँ ग्रेटर है, इसमें हो जाएगा लेस देन ए बी इंट्रैक्शन, यानी इट्स क्वाइट सिंपल, ए ए बी बी का जो इंट्रैक्शन है वो ग्रेटर है देन ए बी इंट्रैक्शन, और यहाँ पे ए ए एंड बी बी इंट्रैक्शन इज लेस देन दैट ऑफ ए बी इंट्रैक्शन। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मैं फोर्थ पॉइंट एग्जाम्पल डिफरेंस भी इसी तरह से आप कर सकते हैं इसको आपस में एग्जाम्पल्स, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स में तो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल इज अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल और वाटर ले सकते हो आप, दूसरा आप अल्कोहल एसीटोन ले सकते हो, अल्कोहल प्लस एसीटोन, तीसरा आप CS2 कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन आप ले सकते हो। यहाँ अगर मैं इस में नंबर चार पे इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आपका फिनोल प्लस एनिलीन, ये दोनों के दोनों नेगेटिव, इन दोनों का मिक्सचर जो है सॉल्यूशन है दोनों का वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। एंड द सेकंड वन इज एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स आपके हैं, दीज एग्जाम्पल्स आर टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। अभी हमें देखना ये है कि डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर क्यों हो जाता है और डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव में ज़्यादा क्यों होता है, इसमें कम क्यों होता है। एक्चुअली ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन द इंट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। मेरे पास एसीटोन है CH3C OCH3 और क्लोरोफॉर्म है मेरे पास CHCl CL CL। तो दिस इज एसीटोन, दिस इज क्लोरोफॉर्म। अगर मैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको पूरी करेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करूँ तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको पता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, देर इज नो इंटर और इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यानी एच बॉन्डिंग जो है इसमें एब्सेंट है, नहीं है एच बॉन्डिंग, इसमें भी एच बॉन्डिंग नहीं है। तो एच बॉन्डिंग इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, दोनों पोलर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। लेकिन अगर दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद एसीटोन में और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। फिर से देखिए, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन दोनों को मिक्स किया तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट हो जाता है। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है लिटिल स्ट्रोंगर देन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अभी यहाँ इनके एसीटोन एसीटोन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन था वो वीक था, इसके बीच में भी इंट्रैक्शन क्या था, वीक था। यानी सपोज मैं एसीटोन को ए से इंडिकेट करता हूँ, ए ए के बीच में इंट्रैक्शन, और यहाँ क्लोरोफॉर्म है, इसको मान लीजिए मैं सी ले लेता हूँ तो सी सी, यानी एसीटोन एसीटोन के बीच में इंट्रैक्शन और क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के बीच में इंट्रैक्शन वो वीकर है, लेकिन जब दोनों को मिक्स किया गया एसीटोन क्लोरोफॉर्म के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रोंगर है। अभी ऐसा होने से क्या होगा, देखिए मान लीजिएगा इस एसीटोन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोंग बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में मिलाने के बाद, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी का रिलीज होना मतलब एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो गया, और आपको पता है एक्जोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, दैट इज लेस देन क्या होती है, जीरो होती है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो गया, लेस देन जीरो। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। वैसे भी मैंने आपके लिए लिखा है ये कि ए ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन, यानी इसके बीच में और इसके बीच में जो इंडिविजुअल इंट्रैक्शन है दैट इज लेस देन दैट ऑफ ए बी इंट्रैक्शन, दैट इज लेस देन दैट ऑफ ए बी इंट्रैक्शन। अभी वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाता है, वॉल्यूम की अगर हम बात करें कि वॉल्यूम कैसे अफेक्ट होता है, तो इट्स क्वाइट सिंपलर। आपको पता है कि ए ए और बी बी के बीच में या सी सी के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड वीक है। अभी इंट्रैक्शन कम होगा, तो इंट्रैक्शन कम होने से दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस, दोनों को मिलाने के बाद इंट्रैक्शन स्ट्रोंग है तो मोलिक्यूल्स विल समवट कम क्लोज टू ईच अदर, एंड एज ए रिजल्ट लिटल वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड,
इन दिस केस, यानी मैं ये कहूँ कि इनके बीच में इंट्रैक्शन स्ट्रोंगर वीकर था, इसमें भी वीकर था, मिलाने के बाद इंट्रैक्शन स्ट्रोंग हो गया, मोलिक्यूल्स क्लोज आ गए, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, दैट इज लेस देन जीरो, तो इसलिए वॉल्यूम आपका कम हो जाता है। लास्ट ईयर्स में CBSE में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 10 ml सॉल्यूशन ऑफ ए एंड 10 ml सॉल्यूशन ऑफ बी वर मिक्स्ड, ए और बी को मिक्स कर दिया, द वॉल्यूम वाज फाउंड 19.98 ml। तो यहां से आपको ये देखना होगा कि 10 ml ए और 10 ml बी को मिलाया तो टोटल वॉल्यूम बनता है आपका 20, लेकिन 20 की बजाय आपका वॉल्यूम पाया गया कम, तो ये किस प्रकार का डेविएशन शो करेगा, ये डेविएशन शो करेगा लेस देन जीरो है, ये वाला कम वॉल्यूम आता है तो नेगेटिव डेविएशन ये शो करेगा, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है तो पॉजिटिव करेगा, अगर 20 आ जाता है एग्जैक्ट तो क्या करेगा, आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन इसका होगा। अभी मैं अगर ग्राफ्स की चर्चा करूँ, भाई एक क्वेश्चन और है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक में है, वट रोल डज मोलिकुलर इंट्रैक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, यानी अल्कोहल वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें मोलिकुलर इंट्रैक्शन का क्या रोल है। तो आपको ये पता है, मैंने एग्जांपल बताया हुआ है कि अल्कोहल और वाटर के पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्कोहल और वाटर के बीच में जो इंट्रैक्शन है, इंडिविजुअल इंट्रैक्शन, दैट इज इंट्रैक्शन बिटवीन अल्कोहल अल्कोहल मोलिक्यूल्स एंड वाटर मोलिक्यूल्स, वो क्या है, ज़्यादा है, और अल्कोहल वाटर के बीच में जो इंट्रैक्शन क्रिएट होता है वो इंट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है, दैट्स वाई इट्स अ पॉजिटिव डेविएशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज CBSE फाइनल एग्जाम इज कंसर्न्ड, तो CBSE के फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ग्राफ्स की अगर हम बात करें, ग्राफ्स के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, तो ग्राफ्स किस प्रकार से बनेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको पॉजिटिव डेविएशन के लिए कैसे ग्राफ बनता है। तो यहाँ से ये आपका पी नोड ए है, ये आपका पी नोड बी है, यहाँ से ये वर्चुअल लाइन है, अगर आइडियल होता तो ऐसे होता, बट द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। तो क्योंकि पी नोड ए है तो आपको पता है एक्स ए वन है, एक्स बी क्या है, जीरो है, तो इसी प्रकार से यहाँ एक्स ए क्या है, जीरो, और एक्स बी क्या होगा, वन होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ ऊपर से आएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन के बीच में आपको पता है कि ए ए और बी बी इंट्रैक्शन है, दैट इज ग्रेटर देन ए बी इंट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ए और जो सॉल्यूशन बना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, उसमें इंट्रैक्शन वीक है, तो इसका मतलब बहुत ही कम हीट देने से ज़्यादा वेपर्स बन जाएंगे अगर इंट्रैक्शन वीक है, तो इसलिए वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब यहाँ, क्योंकि आपको पता है ये प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यहाँ इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एजोट्रोप, क्या बोलते हैं, एजोट्रोप, या यू कैन से इट एजोट्रोपिक मिक्सचर। अब ये एजोट्रोप क्या होता है, ए मिक्सचर विच बॉइल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ए मिक्सचर विच बॉइल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, यानी एक ऐसा मिक्सचर जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होता है और सेम कंपोजिशन होती है जो लिक्विड और वेपर फेज में होती है, सच सॉल्यूशंस कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी ऐसे ऐसे सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट हैं उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। सपोज आपको ये पता है कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे अल्कोहल पड़ी हुई है कुछ, और इसके अंदर सम वाटर इज देयर, मैं अगर उसको हीट करता हूँ तो पहले बीइंग और हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल इवेपोरेटेड फर्स्ट, यानी अल्कोहल वाटर में अल्कोहल पहले इवेपोरेट हो जाएगा और उसको हम पहले कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता है कि अल्कोहल वाटर को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अल्कोहल और वाटर आपके पास 95% मिक्सचर ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर है, तो 95% इथेनॉल प्लस वाटर के मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ 95% सॉल्यूशन है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो वेपर्स में जो कंपोजिशन है वो भी क्या होगी आपकी 95% ही होगी, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ इथेनॉल एंड वाटर एज द कंपोजिशन इन द सॉल्यूशन इज देयर वही ऊपर जाएगी, यानी जितना कंपोजिशन यहाँ है उतनी ही कंपोजिशन वेपर फेज में जाएगी। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एजोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। और इस यहाँ पे जो बना इस एजोट्रोपिक मिक्सचर को हम बोलते हैं, इस एजोट्रोपिक मिक्सचर को हम कह सकते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो मोर द वेपर प्रेस लेस द बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए इसको हम कह सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, इसको हम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा पॉजिटिव डेविएशन। अगर हम बात करें नेगेटिव डेविएशन की, तो नेगेटिव डेविएशन के केस में नेगेटिव डेविएशन में कुछ ऐसे होता है, पी नोड ए, पी नोड बी, एक्स ए वन, एक्स बी जीरो, यहाँ एक्स बी वन है, यहाँ एक्स ए जीरो है, तो यहाँ पे नेगेटिव में ग्राफ नीचे से जाएगा ऐसे इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या बना रहा है? एजोट्रोप बना रहा है, हेयर इज एजोट्रोप, एंड दिस वन इज, क्योंकि प्रेशर क्या है कम है, तो कम प्रेशर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। तो दिस इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। तो ये था हमारे पास नेगेटिव डेविएशन, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप का जो एग्जांपल है वो है 68% अक्वस सॉल्यूशन ऑफ अचनो 3। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। और जब मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप की बात आती है तो मैंने आपको बताया था 95% अक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला है। यानी नेगेटिव डेविएशन में कौन सा एजोट्रोप बनता है? नेगेटिव में बनता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, और पॉजिटिव में बनता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। तो ये था हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वी शैल डिस्कस अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वांट ऑफ